हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम का सिलेबस और पेपर पैटर्न, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। सारी डिटेल आप लोगों को इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश, ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट का नेम क्या है, सब इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। वैकेंसी की कितनी है, तो ये 3000 से ज़्यादा, 3000 प्लस वैकेंसीज में हैं। और इसमें जो है मैं आप मेनली आपसे सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। और स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन क्या है, 9 अप्रैल 2022, मतलब 9 अप्रैल 2022 से अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 23 अप्रैल 2022 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, PEB.MP.GOV.IN, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी है एस्पिरेंट्स जो कि अप्लाइंग फॉर द सब इंजीनियर पोस्ट कैंडिडेट के लिए सेलेक्ट। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो रिटर्न एग्जामिनेशन सबसे पहले होगा, 200 नंबर का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ वेटेज किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, उसके बाद जो है आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए एमपी व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम पैटर्न 2022। यहाँ पे पेपर पैटर्न देख लेते हैं, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स, ठीक है। तो जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन होंगे। जनरल हिंदी के 16 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के भी 14 क्वेश्चन, और ये मैथमेटिक्स के 14 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 14 क्वेश्चन, मतलब टोटल 100 मार्क्स के हो जाएंगे। केवल जो जनरल हिंदी होगा आपका, वही केवल 16 मार्क्स का होगा, बाकी सब जो है जनरल साइंस, जनरल कंप्यूटर, ये सब जो है 14 क्वेश्चन ही होंगे। टोटल ऐड करके कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन, और ये 100 मार्क्स का वेटेज होगा। इसका एक फुल मॉडल पेपर मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा इस यूट्यूब चैनल पर जल्दी। और नेक्स्ट देख लेते हैं, एमपी व्यापम ग्रुप 3 सब इंजीनियर एग्जाम पेपर 2। इसी में जो है आपको 100 मार्क्स के इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का कोई बंदा है तो इलेक्ट्रिकल का वहाँ पे होगा, मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर सिविल का जो भी बंदा है उसके लिए सिविल के 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और वेटेज सबका एक ही मार्क्स होगा, एक क्वेश्चन का एक ही मार्क्स, ठीक है। द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली, क्वेश्चन क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। नेगेटिव मार्किंग विल बी एज पर द बोर्ड रूल्स, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के लिए बोर्ड रूल्स अभी अनाउंस किया जाएगा बोर्ड द्वारा। अबव मेंशन्ड एग्जाम पैटर्न इज ओनली फॉर रेफरेंस, ठीक है। ये पैटर्न जो है रेफरेंस के थ्रू ही मिला है, जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम हुए हैं मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा सब इंजीनियर का, उसके अकॉर्डिंग ही ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दी जा रही है। MPPEB सब इंजीनियर एग्जाम सिलेबस 2022, ठीक है। ये 2022 का सिलेबस आप लोगों के सामने है। इसमें आपसे हिस्ट्री, इंडिया और वर्ल्ड की हिस्ट्री पूछी जाएगी, जियोग्राफी भी, भारत और विश्व की जियोग्राफी पूछी जाएगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट ये पूछा जाएगा, कल्चरल हेरिटेज, जनरल साइंस, अबाउट इंडिया, ये सब आपकी जो है जनरल नॉलेज के सिलेबस में है। और यहाँ पर देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, स्पेस एंड आईटी, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब आपके सिलेबस में ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एमपी व्यापम सब इंजीनियर सिलेबस फॉर हिंदी, हिंदी कितने क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका वोकैबुलरी आ जाएगा, ग्रामर आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, समास, संधि, ये सब आपके जनरल हिंदी में आएंगे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, मुहावरे आ जाएंगे, आइडम्स एंड फ्रेजेज आ जाएंगे, और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एमपी व्यापम सिलेबस फॉर जनरल इंग्लिश के सिलेबस आप यहाँ पे देखिए, एमपी व्यापम सब इंजीनियर सिलेबस फॉर जनरल इंग्लिश, तो इसके लिए सिलेबस के वोकेबुलरी, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, स्पॉट द एरर के बाद क्या है, स्पॉट द एरर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनिम्स, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, स्पेलिंग, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेज इन ए पैसेज, तो ये आपका जनरल इंग्लिश का सिलेबस है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम एंड फ्रेजेज, क्लॉज और
कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये सब जो है जनरल इंग्लिश के सिलेबस हैं आपके। फिर मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सब इंजीनियर सिलेबस पर जनरल मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स से क्या सिलेबस में है, तो यहाँ पे है नंबर सिस्टम, डेटा सफिशियंसी, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन एज, और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, HCF, LCM, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, SICI आपका इसी में से है, मिक्सचर और एलिगेशन का भी है, और डेटा इंटरप्रेटेशन भी इसके सिलेबस में है आपके जनरल मैथमेटिक्स से। ठीक है, यहाँ पे MP व्यापम सब इंजीनियर सिलेबस पर जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस क्या है, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश व्यापम सब इंजीनियर 2022 सिलेबस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, प्रॉफिट लॉस, SICI एंड शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, मेंसुरेशन, सिलेंडर कोन, स्फेयर, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सब सिलेबस में है आपके मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के सिलेबस में। ठीक है, MP सब इंजीनियर सिलेबस 2022 रीजनिंग का, रीजनिंग में क्या क्या है, तो रीजनिंग में आपका है सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, टेबुलेशन, कोडिंग डिकोडिंग भी सिलेबस में, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और डेटा सफिशियंसी। डेटा सफिशियंसी के बाद रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, कोडेड इनइक्वलिटीज, पजल एंड सिलॉगिज्म, ये सब आपके रीजनिंग के सिलेबस में है। ठीक, नेक्स्ट MP व्यापम ड्रॉप्समैन सिलेबस फॉर जनरल साइंस, जनरल साइंस का क्या सिलेबस है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस टॉपिक्स अप टू 10th स्टैंडर्ड, मतलब क्लास 10th तक के बुक से जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, जो कि जनरल साइंस है। ठीक है, सब इंजीनियर सिलेबस पर कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल, विंडोज, इंटरनेट यूसेज एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये सब जो है आपके जनरल कंप्यूटर के सिलेबस में है। फिर यहाँ पे आ जाता है कोर ब्रांच का, मतलब टेक्निकल का सिलेबस। ठीक है, व्यापम सब इंजीनियर सिलेबस फॉर सिविल, सिविल के लिए ये सिलेबस है। ठीक है, अभी एक से बाद मैकेनिकल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ बिल्डिंग मटेरियल्स, सॉलिड मैकेनिक्स, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर DSS जिसको कहते हैं, और डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मेजनरी स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, पाइप फ्लो, ये सब भी इसके सिलेबस में आते हैं। हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर, हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये सब जो है टॉपिक आपके सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस से है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल का देख लेते हैं। MP व्यापम सब इंजीनियर सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए जो सिलेबस है उसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रिकल मशीन, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट नेटवर्क एनालिसिस भी इसके सिलेबस में है आपके, कंट्रोल सिस्टम सिलेबस में है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, द पावर सिस्टम एनालिसिस एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम्स यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन ETC, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ये सब जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस हैं आपके मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन सब इंजीनियर पोस्ट के लिए जो एग्जाम होने वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैकेनिकल का सिलेबस, MP सब इंजीनियर सिलेबस फॉर मैकेनिकल, तो यहाँ पे आपका अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन आ जाएगा, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वाइब्रेशन, थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है,
फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस के बाद आता है मशीन डिजाइन आपका, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। कास्टिंग फार्मिंग एंड ज्वाइनिंग प्रोसेस, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या है, मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन। तो ये हो गया आपका सिलेबस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो सारे डिटेल में आप लोगों को सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के जो सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, अभी जल्द ही मैं आप लोगों के लिए सब इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो ओरिजिनल पेपर हैं उनको मैं अपलोड करने वाला हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।